नेक्स्ट है इसमें, मैं फिर से लगाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के बेस के लिए। ये एक लूप है, इसमें कोई करंट नहीं है, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, मैग्नेट इसके पास आ रही है, नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, सेम डायग्राम, नॉर्थ पोल से लाइंस इस का फ्लक्स बढ़ाएंगी, ये क्या चाहेगा कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो, राइट, तो ये नहीं चाहेगा कि नॉर्थ पोल इसकी तरफ आए, तो आप कहोगे फिर ये क्या करेगा, ये अपने अंदर ऐसे करंट जनरेट करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, तो एक फेस नॉर्थ हो जाता है, एक फेस साउथ, तो ये वाला फेस नॉर्थ कर लेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्थ पास आ रहा है और वो नहीं चाहता कि मैग्नेट इसके पास आए, क्योंकि मैग्नेट पास आएगा तो इसका फ्लक्स बढ़ाएगा, ये चाहता है कि मैग्नेट दूर रहे ताकि इसका फ्लक्स ना बढ़ सके, और दूर रखने के लिए करंट ऐसे घुमाएगा कि ये फेस भी क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये वाला साउथ। और हमने सोलेनोइड में किया था कि अगर आपको कोई फेस में करंट कैसे नजर आता है या कोई पोल कैसे नजर आता है, नॉर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर यहां तक, तो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, तो यहां पर करंट आपको कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, को डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। फिर देखो, सपोज नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि नॉर्थ पास ना आए, भगाने की कोशिश करेगा, कर भी क्या सकता है, यहां नॉर्थ डेवलप करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो नॉर्थ पोल का मतलब करंट यहां से एंटी क्लॉकवाइज, राइट। फिर देखो मान लो इस बार नॉर्थ दूर जा रहा है इससे, अब जब नॉर्थ पोल इससे दूर जाएगा तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा, हाँ कम होगा, जब नॉर्थ दूर जाएगा इसका फ्लक्स कम होगा, ये नहीं चाहता इसका फ्लक्स कम हो, तो ये क्या डेवलप कर लेगा, साउथ, ताकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करे, और ये चाहता है अब मैग्नेट दूर ना जाए, जब आप मैग्नेट को पास लेके आ रहे हो, ये कहते हैं पास क्यों लेके आ रहे हो, जब दूर लेके जा रहे हो तो कहते हैं दूर क्यों लेके जा रहे हो, दोनों के इसमें अपोजिशन है, तो जब आप नॉर्थ पास लेके आ रहे हो तो नॉर्थ डेवलप कर लेगा और कहेगा पास ना आ, जब नॉर्थ दूर लेके जा रहे हो तो साउथ डेवलप कर लेगा फिर कहेगा कि पास लेके आओ, पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें, तो रिपीट करता हूं, जब नॉर्थ पास आएगा तो बताओ ये कौन सा फेस डेवलप करेगा, नॉर्थ, तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और जब नॉर्थ दूर जाएगा तो क्या डेवलप करेगा, साउथ, तो करंट कैसे, क्लॉकवाइज, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक है यहां तक। सपोज फिर देखो, ये लूप है, मैग्नेट गलती से गिर गई, जैसे फैराडे के उसमें गिरी थी, नॉर्थ है ये ब्लू कलर का, नॉर्थ, नॉर्थ पास आ रहा है, कॉइल में जाएगा, इसमें ये होल खाली है ये, और फिर यहां से नीचे चला जाएगा, जब नॉर्थ पास आ रहा होगा तो ऊपर वाला फेस विल एक्ट लाइक नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ पास आ रहा है तो चाहता है कि पास ना आए, तो सेम पोल नॉर्थ, तो ऊपर से करंट कैसे दिख रहा है, एंटी। अब कुछ देर के बाद साउथ दूर जा रहा है, साउथ दूर जाता दिखेगा आपको, तो ये क्या डेवलप कर लेगा, नॉर्थ, ताकि ये नहीं चाहेगा मैग्नेट दूर गिरे, तो नॉर्थ, क्योंकि ये साउथ जो है वो नीचे जा रहा है, साउथ को पास लाने के लिए नॉर्थ, ये नॉर्थ तो ये साउथ, तो यहां पर करंट कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब मैग्नेट का नॉर्थ पास आ रहा होगा तो पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर जब दूर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, इट विल चेंज द डायरेक्शन, और फॉर एन इंस्टेंट जब मैग्नेट 50% इसके बीच में होगा तो करंट क्या हो जाएगा, फॉर एन इंस्टेंट जीरो, एंटी क्लॉकवाइज, जीरो क्लॉकवाइज, रुकेगा पे तो ना, तभी तो चेंज करेगा डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज मिड पॉइंट पे जब मैग्नेट होगा इसके बीच में, फिर जीरो, क्योंकि ना नॉर्थ पास आ रहा है ना, बराबर दूरी पे है, और फिर क्या होगा, क्लॉकवाइज। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, फिर अगेन पहला क्वेश्चन आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ विद एग्जांपल, मेरे ख्याल से ये तो हो जाएगा, दोनों लॉज लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन लेंज लॉ एंड आल्सो एक्सप्लेन लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो लेंज लॉ के बारे में तो आपने ये लिख ही देना है, व्हाट इज लेंज लॉ,
तो लेंज लॉ की स्टेटमेंट ऐसे ही लिखनी है, आपने इसमें लिखना है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस करंट, जो करंट जनरेट हुआ, विल अपियर इन सच अ डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी दैट इट अपोजेस, जो करंट जनरेट हुआ वो अपोज करता है, किसी अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, और कौन सा फ्लक्स, जिसने इसको जनरेट किया था, जिस बीक को आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो उसी की वजह से जनरेट हुआ और उसी को वो क्या करता है, अपोज भी करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो लिख लोगे डेफिनेशन यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें? इस डेफिनेशन के साथ आपको लिखना होगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में देखो आपको क्या करना है, जब आप नॉर्थ को इसके पास ला रहे थे लूप के, तो ये क्या डेवलप करता है, नॉर्थ, आप नॉर्थ को पास लेके आ रहे हो तो नॉर्थ 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 को रिपेल करने लगा, तो आपको वर्क डन करना पड़ा दिस रिपल्शन के अगेंस्ट, अगेंस्ट दिस रिपल्शन, और आप जब और वर्क डन करते हो, और जोर लगाते हो, ये और अपोज करता है, और करंट जनरेट करता है, और इसका पोल स्ट्रांग हो जाता है, आप और वर्क डन करते हो, ये प्रोसेस चलता जाता है, जोर लगाते जाते हो, ये नॉर्थ डेवलप करता जाता है, और आप अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट रिपल्शन, और आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो आपका जोर लग रहा है मैकेनिकल एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आप तेज करते हो काम, आप क्या करते हो वर्क डन करते हो, और बहुत वर्क डन करते हो, जब आप काम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा वर्क डन कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसमें उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। आप स्लो करो, काम मत करो, मत करो, ये जीरो कर दो, मैग्नेट को रोक लो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो, किसी फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा, क्लियर। और जब आप नॉर्थ को दूर लेके जाते हो तो यहां पर साउथ, तो आप नॉर्थ और साउथ की अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हो, जितना ज्यादा अगेंस्ट काम करोगे फ्लक्स उतना डिक्रीज होगा, इसमें और करंट जनरेट होगा, तो आपको फिर से वर्क डन करना पड़ेगा ताकि नॉर्थ साउथ के अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़े, और आपकी फिर से मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपको ऐसे ही लिखना है इसे, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल, जब नॉर्थ कॉइल के पास आएगा, अपर फेज ऑफ द कॉइल क्या पोलैरिटी ले लेगा, नॉर्थ, नॉर्थ पास आएगा तो नॉर्थ, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन ताकि मैग्नेट पास आ जाए। उसी तरीके से अगर नॉर्थ मूव्ड अवे तो क्या डेवलप करेगा लूप, साउथ, तो आपको फिर से वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इन टेकिंग द मैग्नेट अवे, दोनों केस में इट इज द मैकेनिकल वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल दैट चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लिख लोगे ये सारा, कोई डाउट इसमें, ठीक, तो एग्जाम्पल के साथ समझा दोगे बेटर है, अगर आप दो साथ में डायग्राम भी ऐसे बना दो, एक बार नॉर्थ पास आ रहा है, एक बार नॉर्थ दूर जा रहा है, और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि कई बार थ्योरी में नहीं पढ़ते लोग, डायग्राम से समझ जाते हैं, बना लो बुकलेट के यहाँ डायग्राम बना लेना ऐसा, ताकि एक कॉइल हो जिसमें इस तरीके से कॉइल दिखानी है, और कॉइल के साथ ये लूप दिखाई आपने, ये मैग्नेट दिखा सकते हो, एक बार पास आ रही है, एक बार दूर जा रही है, कुछ इस तरीके से पास आ रही है और एक दूर जा रही है, ठीक है, ठीक, ओके। इसके बेस पे अब आपको ये समझ में आ गया होगा हमने माइनस साइन क्यों लगाया, तो माइनस साइन ऑपोजिशन के लिए लग रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होगी वो अपोज करेगी, ईएमएफ जो ई होगी वो अपोज करेगी किसे, चेंज ऑफ फ्लक्स को, ठीक है यहां तक,